हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम लोग रिजल्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, रिजल्ट ऑलरेडी आपको पब्लिश हो चुका है, साथ ही साथ हम लोग टेक्निकली सभी लेवल्स को भी देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के शेयर के ऊपर। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जून क्वार्टर का जो है रिजल्ट आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 191 करोड़ का पोस्ट किया गया है बैंक के द्वारा क्वार्टर वन में, जो यहाँ पे कि हम लोगों को 97% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे डिसबर्समेंट जो है वो आपको 4757 करोड़ का है, जो कि आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 47% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो ग्रॉस एडवांस है वो भी आपको 36% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपको इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक का रिजल्ट जो है वो आपको काफ़ी अच्छा रहा है। डिटेल में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो रेवेन्यू जो है यहाँ पे बैंक ने 1254 करोड़ का पोस्ट किया है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली आपको जून से रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नो डाउट बहुत मैसिव ग्रोथ नहीं है, बट स्लो एंड स्टडी यहाँ पे जो है बैंक ग्रो कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इंटरेस्ट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे बीच में जरूर यहाँ पे लॉस पोस्ट कर रहा था, बट वापस से जो है पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिख रहा है। और 81 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बैंक का मेन प्रॉफिट है, वहाँ से जो है बैंक का जो मेन प्रोफेशन है वहाँ से आपको 81 करोड़ का प्रॉफिट जो है इन्होंने अर्न किया है। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अर्निंग पर शेयर में भी आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 1.72 रुपीज का अर्निंग जो है वो आपको क्वार्टर वन फाइनेंशियल 24 में बैंक ने पोस्ट किया है। इसके साथ ही एनपीए में भी डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ नेट एनपीए भी यहां पे रिड्यूस हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो रिजल्ट अच्छा है, और इसके साथ ही हम लोगों को टेक्निकली भी स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इस स्टॉक को काफ़ी नीचे के लेवल से हम लोग ऑलरेडी जो है होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था। अब यहाँ पे करंट लेवल पे बात करेंगे तो इससे पहले के वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हिट द लाइक बटन। यहाँ पे जो है हम लोगों ने आपको बताया था जो इस रेंज में स्टॉक एक कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप मंथली चार्ट में देखेंगे तो स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 40 रुपीज़ के लेवल से आपको कहीं पे भी रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है। स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 150% का रैली कर चुका है। 40 रुपीज़ से करेंटली आपको 98 रुपीज़ 70 पैसे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, बट कहीं पर भी रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक अच्छा मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के बाद यहाँ पे आपको कई मंथ तक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, वापस से मोमेंटम कंटिन्यूसली यहाँ पे हुआ है, तो एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा तभी हम लोगों को वापस से फ्रेश तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे 70 रुपीज़ के लेवल के ऊपर पहली बार हम लोगों ने इस स्टॉक को स्पॉट किया था, अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया है, या फिर सपोज अगर आपने 90 रुपीज़ पे भी नहीं लिया है, तो अब अगर आप यहाँ पे इस स्टॉक में बन रहे हैं तो आपका क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एग्रेसिवली अभी आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे स्टॉक के पास स्पेस है, स्टॉक नीचे की साइड में रिट्रेसमेंट ले सकता है। इसी वजह से जो है अभी आपको एग्रेसिवली ऐड नहीं करना है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में आप ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि अगर रिट्रेसमेंट हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, आप यहाँ पे इस स्टॉक को नीचे के लेवल पे भी ऐड कर पाए। और अगर आप लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं 75, 80, 70, 90, इन सभी लेवल्स पे ऑलरेडी आपने बाई कर रखा है, तो आप कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।